जीवन को अनेक तरह से मैंने कहा है, जैसे एक शब्द है, जीवन अनंत है, अनादि है, अनंत है। जीवन पुरुषार्थ है, परमार्थ है। जीवन श्रम है, विश्राम है। जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। निरंतरता के साथ प्राणायाम करते हुए इस बात को और गहराई से अनुभव करें। जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका अनंत फल हमें मिलता है। शुभ के बीज हम बोते हैं तो उसका भी अनंत फल मिलता है, और अशुभ का भी, पाप का भी। एक भी अशुभ विचार, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म हम करते फिर अपने आप ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई होता रहता है, ज्ञान भी मल्टीप्लाई होता है, अज्ञान भी, सद्भाव भी और दुर्भावना भी, सत्कर्म भी, दुष्कर्म भी, पाप भी, पुण्य भी, सुख भी, दुख भी। इसलिए अशुभ से बचें। और ये मैंने, मेरे पूर्वज ऋषियों ने अनादिकाल से इस शाश्वत नित्य सत्य को अनुभव किया। आज भी इस जगत में जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में महापुरुष, सभी व्यक्तियों का, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, देश, जाति के लोग, सबने यह अनुभव किया कि जो कुछ हम जीवन में करते हैं वो अनंत गुण होकर के हमें मिलता है। यद्यपि इस सत्य को समझने में फेर हो सकता है थोड़ा बहुत, काल के कारण से देर सबेर हो सकती है, लेकिन ये परम शाश्वत नित्य सत्य है। इसलिए मैंने बार बार इस बात को भी कहा कि हम इच्छा होने पर भी कोई भी दोष है, दुर्गुण है, आलस्य है, प्रमाद है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, दुष्कर्म है, कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार का अशुभ है, इच्छा होने पर भी उसमें प्रवृत्त ना हो, न जाने कौन सी जन्म की कौन सी वासना है जो हमसे बलात् ऐसे करवा देती है। यद्यपि प्रकृति पर विजय पाना ये बहुत बड़ा शौर्य और पराक्रम है, लेकिन इस पर भी हम विजय पा लेते हैं, उसके लिए अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। और फिर एक दिन पूर्ण सत्व में जीने का अभ्यास,
और उसके आगे एक और दिव्य चेतना है, गुणातीत होकर के जीने का अभ्यास, भावातीत होने के होकर के जीने का अभ्यास, अपने प्रकृति पर पूर्ण विजय पाकर के आत्म प्रवृत्ति में, आत्म प्रकृति में, अपने स्व में, अपनी पूर्ण निजता में जीने का अभ्यास। लेकिन इस क्रम में कहीं पर कोई भ्रम ना हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले ही दिन आप गुणातीत या भावातीत होने का प्रयत्न करेंगे तो यह आपको निराशा के सिवा और कुछ नहीं देगा। पूर्ण सत्व की प्रतिष्ठा का परिणाम है गुणातीत भावातीत होना, आत्मरति होना, आत्मतृप्त होना, आत्मकाम होना, पूर्ण काम होना, ब्रह्म काम होना। ऐसे ही आप तो पुरुषों ने हमें कहा है, आत्मवेता ब्रह्मवेताओं ने हमें समझाया है,